दो महीना के बाद दूसरे को चल दी। बैठ जाइए, बोलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का सुन लीजिए पूरी। दो महीना जी चार्ज में नहीं है, वो दो महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे स्थान दूसरे लोगों को प्रस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके लिए कौन दोषी है? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि समय में है, कम समय में 60 लाख रुपया उसके यहां जो है रिकवरी हुई, और 28 अगस्त की घटना थी अध्यक्ष महोदय। माननीय और मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दे दिया, दो महीना तक उसको विभाग में घाल मेल करने के लिए रखा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभार मुक्त कब किया गया, नंबर वन। नंबर टू, 68 लाख रुपया उनके यहां रिकवरी हुआ तो अभी तक उस पर निलंबन की कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई? और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकार योग्य पाए जाने के बाद भी प्रश्न को अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि अस्वीकार योग्य उनका जो उनसे शोक आउट किया गया वो भी अस्वीकार योग्य था, तो जो अस्वीकार योग्य होने के बाद भी फलस्वरूप जो है अभी तक निलंबन की एक छोटी सी जो कार्रवाई होती है, निलंबन की कार्रवाई भी नहीं की गई, और दो महीने के बाद 68 लाख रुपया रिकवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाके, और दो महीने के तक उसको जो है उस पद पर रहने दिया गया, और दो महीने के बाद 28 अक्टूबर को मैं पहले पूछा हूं कि प्रभार 28 अगस्त की घटना थी, प्रभार मुक्त कब किया गया, और अस्वीकार योग्य उनका शोक आउट था उसके बाद भी अभी तक निलंबन क्यों नहीं किया गया, और प्रभार मुक्त कब किया गया है मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री आप शांति से सुने, सदन में सुनिएगा तब ना मंत्री जी का जवाब। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके ऊपर विरुद्ध कठोर नियमानुसार जो भी है कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राप्त होगा? अरेगा शांत, आप शांति से सुनिए पहले। हाँ, क्या प्राप्त होगा? विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है अध्यक्ष महोदय। नहीं, माननीय सदस्य ने कहा कि दो महीने बीत चुके और जब उनके साथ साक्ष पकड़ाया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई की गई है महोदय। क्या अवगत कराइए सदन को उसके ऊपर जो है। अब शांति से सदन सुनिए, वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे, उस बीच में चुनाव भी चल रहा था, पंचायत चुनाव भी चल रहा था। नहीं, ये उचित अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी, इस पर त्वरित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। ₹60 लाख दो स्थानों पर पकड़ाया, 18 लाख उनके गाड़ी में, और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में, तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी दो महीना तक वह अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के, और दो महीना के बाद दूसरे को चल दी। अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए पूरी। दो महीना जी नहीं है, वो दो महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे स्थान दूसरे लोगों को प्रस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके लिए कौन दोषी है?
आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय मंत्री जी इधर जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। अवध बिहारी चौधरी जी बोलेंगे, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। महोदय क्या क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? अरे देखिए, अरे देखो उनको बोले दीजिए ना, उनका प्रश्न है, पर बोले दीजिए उनको, बैठ जाइए सब लोग, बोलिए विभाग इसको बैठ जाइए आप, क्या आप सब लोग बैठिए पहले, क्या आप जो है सदन की कमेटी बनाइए और 30 दिनों के अंदर वह सदन की कमेटी जो है आपको रिपोर्ट दे, और उस पर क्योंकि विभाग पर विश्वास, विभाग इसको समर्थन दे रहा है अधिकारी। ठीक है, सदन की कमेटी बनेगी और सदन उसकी जांच करके अवगत कराएगा, बैठ जाइए।